मेरा सुझाव तो ये होगा कि पानी का समाधान तो बांध बना करके ही पूरा होगा। अरे पर तालाब का पानी तो काफी है ना। पर बांध बनेगा तो हमें बिजली उत्पन्न करने का तरीका भी मिलेगा और ऊपर से पूरे साल भर हमें सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। मेरे इंजीनियर साहब बता रहे थे कि 3 साल में बांध बन करके पूरा हो जाएगा। वो सब कहने की बात होती है, पास वाले गांव रामपुर में पूरे 5 साल लग गए थे। चौहान साहब वो पुराने तकनीक से बना था, अगर नए उपकरणों का इस्तेमाल करो तो बांध 3 साल से भी कम समय में बन सकता है और वो भी सालों साल टिकने वाला। मैं कल इंजीनियर साहब से बात करता हूँ। ठाकुर साहब कल अभी आइएगा हमारे जी। बात तो फायदे की थी, क्यों ना मैं भी अपने धान के खेत से खरपतवार निकालने के लिए मजदूरों का इंतजाम पहले से ही कर लूं। कैलाश बाबू, पिछले साल खरपतवार निकालने के लिए आपने मजदूर बहुत देरी से भेजे थे, इस बार हम पहले से ही बता दे रहे हैं, समय पर भेज देना। हाँ हाँ बस। चवन बाबू क्या बात है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं ठाकुर साहब, मन थोड़ा विचलित है। आप तो जानते ही हैं कि खरपतवार निकालने के लिए अब खरपतवार नाशक के साथ साथ मजदूरों का प्रबंध करना भी जरूरी है, और ये सिर्फ मेरी नहीं पूरे गांव की यही समस्या है। तो चवन बाबू क्या आपको पता नहीं है, एक अच्छे खरपतवार नाशक के इस्तेमाल करने से मजदूरों की परेशानियों से बचा जा सकता है, और देखिए अगर हम तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे ना तो हम सबका फायदा होगा। क्या मतलब, कौन सा खरपतवार नाशक? चलिए बताता हूँ, आइए। मैं बायर के नए खरपतवार नाशक की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है काउंसिल एक्टिव। खरपतवार फसल की आड़ लेकर फसलों को हानि पहुँचाते रहते हैं, लेकिन काउंसिल एक्टिव सभी खरपतवारों का सफाया कर देता है और आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। इसका इस्तेमाल धान की खेत में खरपतवार दिखने के बाद ही करना है, और वो भी केवल एक ही बार करना है। इसका एक ही छिड़काव सभी मुख्य खरपतवारों का नियंत्रण करता है। काउंसिल एक्टिव का छिड़काव बुआई के 8 से 12 दिनों में करना चाहिए, जब खरपतवार 1 से 3 पत्तियों की अवस्था में हो। इतनी जल्दी? हाँ, खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका इस्तेमाल जितनी जल्दी करो उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से खरपतवार का अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। जब खरपतवार छोटे से हो उसी वक्त हमें उसका प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि उपज का अधिकतम नुकसान बुआई के 2 से 3 हफ्तों में ही हो जाता है, क्योंकि इसी समय खरपतवार पानी और पोषक तत्व का आहार ज्यादा करते हैं। इसके अलावा 1 से 3 पत्तियों की अवस्था में खरपतवार का नियंत्रण करना ज्यादा आसान होता है। अगर इस अवस्था में खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया तो बाद में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल जल्दी करने में ही समझदारी है, क्योंकि ये बना है सिर्फ धान की खेती के लिए, तो ये बाकी खरपतवार नाशकों के मुकाबले है सबसे ज्यादा सक्षम। ये जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों का भी आसानी से सफाया कर देता है, और हाँ मजदूरों का खर्चा बच जाता है वो अलग। अच्छा, पर इसका इस्तेमाल करना कैसे है? खेत में सिंचाई हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर फसल का ऊपरी छोर पानी के ऊपर रहना चाहिए। बिना सिंचाई के खेत में भी इसका छिड़काव किया जा सकता है, पर ये ध्यान रहे कि मिट्टी नम होनी चाहिए, क्योंकि नम मिट्टी में ही काउंसिल एक्टिव ज्यादा सक्षम होकर खरपतवारों पर सीधा प्रहार कर सकता है। सबसे पहले काउंसिल एक्टिव के 90 ग्राम के पैकेट को 8 लीटर पानी में घोलिए, फिर स्प्रेयर की टंकी पानी से सिर्फ आधी भरिए और काउंसिल एक्टिव के घोल में से केवल 1 लीटर घोल स्प्रेयर में डालिए। अंत में स्प्रेयर की टंकी को पानी से पूरी तरह भर लीजिए और सिर्फ फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल से ही छिड़काव करें। 1 एकड़ में छिड़काव के लिए इस प्रक्रिया को 8 बार दोहराइए। अरे वाह, अब ये बताइए कि खेत में दोबारा सिंचाई कब की जा सकती है? छिड़काव के 2 दिन बाद कभी भी सिंचाई की जा सकती है। छिड़काव के बाद भी ध्यान रखें कि 10 दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रहे। और हाँ एक बात और, इसके बाद में भी उगाई जाने वाली फसल पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और आने वाली फसल के अंकुरण पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो याद रखें, काउंसिल एक्टिव का प्रयोग नमी वाली मिट्टी पर ही करें, फसल के 8 से 12 दिनों की अवस्था में ही छिड़काव करें, खरपतवार की 1 से 3 पत्तियों की अवस्था में प्रयोग करें। छिड़काव के 2 दिन बाद सिंचाई की जा सकती है। बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव से 10 दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रहे। ठाकुर साहब रुकिए रुकिए, सोच रहा हूँ मैं भी काउंसिल एक्टिव ले ही लेता हूँ।
चौहान जी, निंदाई के लिए आपने बुलाया नहीं, सोचा हम ही पूछ के। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अब खेत में खरपतवार ही नहीं है। अरे कहीं आपने भी बायर का काउंसिल एक्टिव तो नहीं इस्तेमाल किया? चौहान साहब वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आइए। अरे आइए 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 आइए। अरे कलेक्टर साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई आपने अपनी खेती से पूरे प्रदेश में अपने गांव का नाम रोशन किया है, मिसाल है आप हमारे लिए। बायर का काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान।